एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में मेन टॉपिक इंटेगोमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स है इसके अंदर हम क्योंकि वर्टिब्रेट्स का जिक्र हो रहा है तो दैट मीनस फिशेज से लेके मैमल्स तक अब फिश दो किस्म की होती हैं एक तो कार्टिलेजस फिश कहलाती हैं और एक बोनी फिश है तो अमंग मोस्टिव द मोस्टिव फिश दे आर सेट टू बी द जॉलस फिश जैसा कि नाम से जाहिर है कि जॉल्स फिश वो हैं जिनकी जॉज नहीं होते और वर्टिबल कॉलम भी ना होने के बराबर क्योंकि वो बोनी स्केलेटन नहीं है इसके अलावा हम कार्टिलिजनस की फिशेस की बात करेंगे जिसके अंदर ज्यादातर शार्क्स हैं शार्क्स हैं तो जॉलस फिश देूड लैम्परेज एंड फिश दी आर मेनली देर ऑल दे आर मेरीन फिश और जॉलस uh, फिश जो है जैसे हैग फिश खास तौर पर ये तकरीब तीन सौ मिलियन ईयर्स ओल्ड है थ्री हंड्रेड मिलियन ओल्ड और ये आ, आज भी पाई जाती तो दीज हैग फिश दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्लाइम इसके ऊपर बड़ी स्लाइमी स्किन होती है और इस, इस, इस स्किन के अंदर क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटेगोमेंट्री सिस्टम की तो हमारा फोकस जो है वो स्किन के ऊपर ही होगा तो इसके अंदर आ, एपिडर्मिस है और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं ऑब्वियसली और आ, कुछ सेल्स जो हैं वो आ, इसकी डायग्राम में अगर हम देखें तो दिस इज़ ऑफ एक मॉडल के तौर पे और ये बहुत थिक पार्ट दिस इज ऑल एपिडर्मिस, दिस इज येलो पार्ट एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल म्यूकस सेल्स और कुछ लार्ज म्यूकस सेल्स भी हैं और इन्हीं स्मॉल म्यूकस सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो कि स्क्रीट करते हैं जो कि स्क्रीट कर रहे हैं क्यूटिकल क्यूटिकल जैसे हम पहले भी पढ़ते आए रहे हैं कि क्यूटिकल एक ऐसा मटेरियल है इट इज इट इज अड़फा इट इज अवटन इसके अंदर कॉम्प्लेक्स uh, एक कंपाउंड uh, है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये एनिमल एक्वेटिक है और वाटर्स uh, uh, के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनकी लिविंग के लिए दिस इज क्यूटिकल विच प्रोटेक्ट दिज फिशेस फ्राम एनी हार्मफुल और एनी मैकेनिकल इंजरीज और इसकी बेस के ऊपर हम देख रहे हैं दिस अ बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके बिल्कुल नीचे क्योंकि Epidermis, अगर हम राइट साइड पे देखें तो इज तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर ये मेन चीज तो है ही इसमें भी है और भी है. लेकिन ये जो एपिडर्मिस और epidermis है, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर ये आप देखेंगे कि वेरी करते हैं और ये जो वेरिएशन है वो क्यों है जाहिर है कि ये अडेप्टिवेशन है जैसे जैसे माहौल है तो एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है उस माहौल में उस एनवायरनमेंट में कहीं पे होस्टाइल एनवायरनमेंट है तो उस होस्टाइल एनवायरनमेंट को या अनफेवर कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए इनकी स्ट्रक्चर्स में डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर अडेप्टशन आई नेक्स्ट इज द हाइपोडामिस हाइपोडामिस हमेशा डबिस के नीचे होगी और जैसे हम अगले एनिमल्स के अंदर ये देखेंगे कि ये हाइपोडामिस कहाँ है सो so, दिस इज uh, और इसके बिल्कुल नीचे हमें फैट्स है स्किन तो का अगर हम रिमूव करें तो एनिमल्स के ऊपर ये फैट नज़र आती अब उसके बाद आते हैं कार्टिलेजनस फिशेज इन कार्टिलेजनस फिश के अंदर ज़्यादातर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है द स्केलेटन इज कार्टिलेजनस ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती फ्लैक्सीबल है इसका वर्टिकल कॉलम मौजूद है लेकिन वैसा नहीं जो कि जो कि आ, जो कि बोनीफिश के अंदर होता है इसके अंदर नोटोकॉड तो है लेकिन नोटोकॉड अभी वो उसी फॉर्म में है स्केलेटन की फॉर्म में या यू समझो कॉलम की फॉर्म में नहीं है और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास वो शार्क्स है तो शार्क्स की जो एक साइज़ है वो सारी उम्र बढ़ता रहता है और इसके ऊपर बहुत ही फाइन डेंटिकल्स होते हैं स्किन के ऊपर और डेंटिकल आर डिराइव फ्राम दर्मिस तो तमाम फिशिज के अंदर खावो कार्टिलेजस फिश हों या बोनी फिश के अंदर जित, अगर स्केली एनिमल है अगर स्केली फिश है तो दे आर डिराइव फ्राम द डर्मिस दे आर नॉट एपीडर्मल इन ऑरिजिन यही सबसे इंपॉर्टेंट एक डिफ्रेंस है बाकी एनिमल्स के अंदर और फिश के अंदर तो डर्मिस डमिस दट दिर कंटेन स्मॉल प्लेक्ट स्केल्स और ये बहुत ही प्रेमेटिव टाइप के स्केल्स होते विच वी कॉल द ब्लैक स्केल्स और इसके ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जैसे कि टीथ का होता है विच आर वी कॉल दम एज द डेंटिकल्स तो डेंटिकल्स को अगर हम देखें तो इसका ये दे आर इसके फंक्शन तो इट्स क्लियर के ये दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन और अगर कोई कंबैट भी करना पड़ जाता है तो इसमें स्किन डैमेज ना हो तो दिस अ क्रॉस सेक्शन

असल में ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली इट इज डिराइव फ्रॉम द डर्मिस से ही इवॉल्व होता ही है और इसके नीचे फिर right. अब शार्क्स जो हैं जैसे जैसे ग्रो करती हैं तो इनके इनके जो डेंटिकल्स की तादाद भी बढ़ती जाती है अगर शार्क्स के ऊपर हम अपना हाथ स्लाइड करें तो ऐसे महसूस होता है जैसे हम किसी सैंड पेपर के ऊपर हम हमारा हाथ लग रहा है ये डेंटिकल्स जो हैं इस कार्टिलेज स्पीशीज के अंदर स्किन के ऊपर ये बहुत फाइन से हैं ये ऐसे लगता है जैसे सैंड पेपर की मरा हाथ लग गया है और ये सारे के सारे डेंटिकल्स के लाते दे आर वेरी मच लाइक जैसे मैंने पहले कहा वेरी मच लाइक द टीथ जिस तरह टूथ के अंदर वो स्ट्रक्चर है इसी तरह इस डेंटिकल के अंदर भी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अगली डायग्राम में देखें ये दिस इज एक्चुअल यू कैन सी द स्लाइड Slide, जो स्लाइड क्रॉस सेक्शन उस आ, स्किन का काटीलियर फिश का पता दिखाया गया है इसके अंदर भी ये जो हिस्से हैं दीज आर द डेंटिकल्स और इसके दिस इज कवर्ड ओवर बाई इनेमल और इसी तरह ये है और इस तरह बहुत सारे पूरी स्किन दिस इज कवर्ड ओवर बाई दीज डेंटिकल्स और इसे हम कहते हैं दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ द शार्क स्किन हिस्टोलॉजी क्या है ये अनेटमी से आगे इसकी डिटेल स्टडी है माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है और इस सेक्शंस को पहले हम काटते हैं और फिर उसको हम स्टेन करते हैं ताकि तमाम स्ट्रक्चर जो है वाज तौर पर नज़र आ जाए तो दिस इज ऑल अबाउट दीज फिशेस